एक वक्त ऐसा था जब डर का दूसरा नाम था फूलन देवी। कई बार गैंगरेप, अत्याचार और फिर डाकू से सांसद बनी फूलन देवी की जिंदगी का सफर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को जालौन के घूरा का पुरवा गांव में हुआ था। वह एक मल्ला परिवार से थी। फूलन देवी का बचपन बेहद ही गरीबी में बीता था, लेकिन वो बचपन से ही दबंगों की तरह रहती थी। 10 साल की उम्र में जब उन्हें पता चला कि चाचा ने उनकी जमीन हड़प ली है, तो उन्होंने अपने चचेरे भाई के सिर पर ईंट मार दी और उसे घायल कर दिया। उनके घर वाले उनकी इस हरकत से इतना नाराज हो गए कि महज 10 साल की उम्र में उनकी शादी 35 साल के आदमी से कर दी गई। शादी के बाद उनके पति ने उनका रेप किया। धीरे धीरे फूलन की तबीयत काफी बिगड़ती चली गई और उन्हें मायके वापस आना पड़ा। कुछ वक्त के बाद जब फूलन देवी वापस आई तो उनके पति ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद पति और उसकी दूसरी पत्नी ने फूलन देवी को घर में घुसने तक नहीं दिया। अब फूलन देवी दर बदर हो चुकी थी। उनके पास कोई घर नहीं था, न मायका और ना ही ससुराल। तभी उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो डाकुओं के गैंग से थे। बाद में फूलन देवी उन्हीं के गैंग का हिस्सा बन गई और फिर उनकी पहचान चंबल के डाकुओं में होने लगी। बहुत बस अजीब से लगता है, वो बातें जो पहले की याद आती हैं तो मेरे वैसा लगता है थोड़ा। अब तो धरती आसमान का फर्क है। लेकिन इस गैंग में दो डाकुओं को फूलन देवी से प्यार हो गया और हालात इतने बिगड़ गए कि एक डाकू ने विक्रम मल्ला नाम के दूसरे डाकू को मार दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद ही ठाकुरों के गैंग ने फूलन देवी को किडनैप कर लिया और बहमई गांव ले गए। वहां 3 हफ्ते तक फूलन देवी के साथ गैंग रेप हुआ। किसी तरह फूलन देवी यहां से बच निकली और एक बार फिर डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई। लेकिन अपने साथ हुई इस बर्बरता को वो भूल नहीं पा रही थी। साल 1981 में वो उस गाँव में वापस गई जहां उनका रेप हुआ था और वहां पर फूलन देवी ने उन रेप करने वाले दो हैवानों को पहचान लिया। और उसके बाद वो हुआ जो आज तक इतिहास में फूलन देवी के नाम के साथ सामने आता है। फूलन देवी ने उस गांव के 22 ठाकुरों को गोली मार दी और मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद ही फूलन देवी की चर्चा चारों तरफ होने लगी और उनका नाम बैंडिट क्वीन पड़ गया। 2 साल बाद भी पुलिस फूलन देवी को नहीं पकड़ पाई थी। इस बात का राजनीतिक दबाव सरकार पर तेजी से पड़ने लगा था। तब तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने यह फैसला लिया कि फूलन देवी के सरेंडर करने पर उन्हें रियायत दी जाएगी। उस वक्त फूलन देवी की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी और उनके गैंग के कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी, या यूं कहें कि फूलन देवी का गैंग खुद ही धीरे धीरे खत्म होने लगा था। जिसके बाद साल 1983 में फूलन देवी ने सरेंडर करने का मन बना लिया। उन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 किडनैपिंग के चार्जेस लगे थे। वो 11 साल तक जेल में रही। इसके बाद 1993 में उन पर लगे सारे केस वापस ले लिए गए, लेकिन जेल में उनके साथ एक बार ऐसी बर्बरता की गई जो किसी भी औरत के लिए सहना नामुमकिन है। जेल में फूलन देवी का यूट्रस ऑपरेशन किया गया। जी हाँ, उनसे पूछे बिना उनका यूट्रस ऑपरेशन किया गया और वो सिर्फ इसलिए दूसरी फूलन ना पैदा कर पाए। एक औरत से उसके शरीर का अंग निकाल दिया गया और उनसे पूछा तक नहीं गया। ये तस्वीर और ये दर्द शायद फूलन देवी के लिए उससे ज्यादा था जब उनका रेप हुआ था। हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाए, पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना चाहिए। मैं अपने आप को बदलना चाहूंगी, अपनी जिंदगी को बदलना चाहूंगी। मैं फिर छोटी सी बच्चा बन जाऊं और फिर मेरी वही कहानी हो जाए, ये फूलन देवी मतलब छोड़ के।
फुलन देवी का राजनीतिक सफर 1996 में शुरू हुआ। वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर से चुनाव लड़ी और सांसद बन गई। अखिलेश यादव और डिंपल की शादी में भी फुलन देवी पहुंची और उन्हें आशीर्वाद दिया। फुलन देवी को शादी में देखकर सभी हैरान थे, हालांकि उन्हें शादी में आने का न्योता भेजा भी गया था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने फुलन देवी को वो मान सम्मान दिया जो हर एक औरत को मिलना चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने एक डाकू की पहचान राजनीति में बनाई, जिसे फुलन देवी भी कभी नहीं भूल पाई। वो भी जानती थी कि एक डाकू नाम से मशहूर महिला को समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने वो कर दिखाया जो सभी के लिए प्रेरणादायक था। उन्होंने फुलन देवी के संघर्ष भरे जीवन को देखा और उन्हें समाज में एक नई पहचान दिलाई। फुलन देवी के राजनीतिक सफर में सबसे बड़ा योगदान रहा मुलायम सिंह यादव का, जिसका जिक्र वक्त वक्त पर फुलन देवी करती भी आई। आपने सुना होगा, सुना था, आप तो वहीं के सब रहने वाले हैं, कुछ हमारे भाई हैं आके, है कि एक सीता के कारण इतने बड़े जो रावण का आज तक पुतला फूंकते हैं, उसका यही कसूर था कि खाली एक औरत को उठा ले गया तो आज तक पुतला फूंकते हैं। मैंने क्या बुरा किया? मेरे साथ भी ऐसे रावणों ने अत्याचार किया, मैंने उन रावणों को जवाब दिया, फूलन देवी वो डाकू है। अरे वो तो माननीय मुलायम सिंह जी की देन है, नहीं नाम लेना चाहिए, जो आज हम समाज के अंदर खड़े हैं। और नहीं तो इतनी बड़ी साजिश रची थी, हमने कोई बुरा काम नहीं किया, जिन्होंने हमें सताया, हमें समाज में रहने लायक नहीं रखा। तो गुस्सा में इंसान अच्छा काम नहीं करता, गुस्सा में गलत ही करता है। और जो कुछ भी हुआ, अच्छा और बुरा, सबक सिखाने के लिए कि हम जैसी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार करोगे तो कोई भी महिला घर से बाहर निकल के और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में खड़ी हो जाएगी। उन्होंने ये कहा कि जहां पर फुलन देवी जो जीवन बिता रही थी, उससे बाहर ला करके राजनीति की तस्वीर दिखाने वाले व्यक्ति का नाम मुलायम सिंह यादव था। साल 2001 में शेर सिंह राणा नाम के एक शख्स ने फुलन देवी को उनके घर के गेट पर ही गोली मार दी। फुलन देवी को कुल 5 गोलियां लगी थी। शेर सिंह राणा का कहना था कि फुलन देवी को मारकर उसने बहमई हत्याकांड का बदला लिया है। साल 2014 में शेर सिंह राणा को दिल्ली की एक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। फुलन देवी की जिंदगी पर लेखिका माला सेन ने बैंडिट क्वीन द ट्रू स्टोरी ऑफ फुलन देवी किताब भी लिखी। इसी किताब पर 1994 में शेखर कपूर ने एक फिल्म भी बनाई जिसका नाम था बैंडिट क्वीन। इस फिल्म में सीमा विश्वास ने फुलन देवी का किरदार निभाया। इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला, साथ ही फिल्म फेयर का बेस्ट फिल्म क्रिटिक अवार्ड और बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड भी मिला। फुलन देवी पर फिल्म बनाना इतना आसान नहीं था, इसके लिए फिल्म को कई विवादों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, कई थिएटर मालिकों को तो फिल्म नहीं चलाने को लेकर धमकी भी दी गई, और जब इन मालिकों को पैसे दिए गए निर्माता की तरफ से, तो उसके बाद उन्होंने फुलन देवी पर बनी फिल्म का विरोध बंद कर दिया और फिल्म को कोर्ट के आदेश पर रिलीज किया गया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।